हेलो दोस्तों, मैं विवेक पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रह्मो सॉफ्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, क्या इसका सिंटैक्स होता है। हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में एग्जांपल के साथ समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझने का काम करेंगे कि प्रिंटफ किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। मतलब कि डॉट सी फाइल से हमको डॉट ई एक्स सी फाइल किस तरीके से मिलेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बिना किसी समय बर्बाद किए हुए हम समझते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट होता है तो चलो ठीक है। देखो, जो बाकी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, जैसे अभी 13-14 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, बाकी जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है। देखो, ये जो अटेंडेंस डेली की लग रही है, डेली की अटेंडेंस जो है और आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहेगा वर्क वगैरह को लेकर के, नोट्स वगैरह का, राइट ना, उसी के बेसिस पे एक्चुअली आप लोगों को सेशनल मार्क्स वगैरह दिया जाएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है जिनके पास मोबाइल नहीं है। अगर प्रयास करें तो सभी लोग जुड़ कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम से, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट को भी जो आपके दोस्त हैं उनसे बोले सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए, बराबर सब लोग ज्वाइन करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए, ठीक है। चलो, ये था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जिसको कि एक बार फिर से हमको समझना है। समझ लेते हैं हम लोग, फास्ट ही समझते हैं, ठीक है। देखो, जब कभी भी हम IDE डाउनलोड करते हैं, जैसे हम लोगों के सी सी लैंग्वेज में देखा था, IDE देखा था हम लोगों ने सी लैंग्वेज में, राइट। यहाँ पे कई सारी IDE हैं, जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे हम दो IDE, देवो सी प्लस प्लस और भी कई सारे IDE हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में है वो टर्बो सी प्लस प्लस है, ठीक है। और हम टर्बो सी प्लस प्लस साथ ही साथ हम कोड ब्लॉक पे भी कोडिंग करके देखेंगे कि किस तरीके से कोडिंग की जाती है, क्लियर है ना। इन दोनों पे हम कोडिंग करके देखेंगे कि किस तरीके से कोडिंग कंप्लीट होती है। तो जब कभी भी आप IDE इंस्टॉल करते हो तो आपके साथ सिस्टम में, बेसिकली आपके साथ सिस्टम में कई सारे और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं साथ ही साथ में, जब IDE इंस्टॉल करते हो तब, जिसमें क्या क्या होता है, प्रोसेसर होता है, सॉरी प्री प्रोसेसर होता है, ये जो प्री प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, ये प्री प्रोसेसर इंस्टॉल होता है, कंपाइलर इंस्टॉल होता है और लिंकर इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो आप करोगे क्या, आपका मेन टास्क क्या रहेगा, आप जो भी सिंटैक्स पढ़ोगे पूरे सी लैंग्वेज में, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जो भी आपके सिलेबस में है, पूरे को पढ़ने का मतलब यह है, पूरा टोटली फोकस आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ ये जो डॉट सी फाइल है इसी को बनाने में, क्लियर है। क्योंकि हमको बाकी किसी से मतलब है नहीं, हमको सिर्फ ये समझना है कि जब कभी भी हम डॉट सी फाइल बना लेते हैं, डॉट सी फाइल से हमको डॉट ई एक्स ई फाइल, ये वाली जो फाइल है डॉट ई एक्स ई फाइल, सभी को दिख रहा है ना जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, डॉट ई एक्स ई फाइल किस तरीके से बनती है, क्या उसका इंटरनल प्रोसेस होता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों को समझ के रखना है कि इंटरनली जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, क्लियर है। ये जो है डॉट सी फाइल, ये बेसिकली हमको बनाना है। हमारे सिस्टम में प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर इंस्टॉल हो चुका है, जब भी है, जैसे ही हम इंस्टॉल करके रखेंगे, सभी स्टूडेंट ने मोबाइल में भी इंस्टॉल करके रख लिया है ना, जो मैंने लिंक भेजा था वहां से इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने, जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसके पास है ना, तो आप वहां से भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ही बेटर होगा अगर आपके पास मोबाइल है, राइट, और मोबाइल है आप उसमें इंस्टॉल करके रखे हो सी का कंपाइलर, तो आप अगर एक कीबोर्ड ले लेते हो, है ना, कीबोर्ड ले लेते हो और उससे टाइप करना स्टार्ट करते हो तो आपकी टाइपिंग भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी और आप बराबर से कोडिंग भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। मतलब लैपटॉप एक, आप सॉरी, आपके पास मोबाइल है कोटीजी लेकर के, उसमें आप कीबोर्ड को कनेक्ट करके आप उससे भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा आप लोगों को फायदा रहेगा, ठीक है। तो चलो, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। हम जैसे ही सी लैंग्वेज, सॉरी डॉट सी फाइल बनाएंगे, प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, एक्चुअली कंपाइलर जो होता है वो हेड से लगे हुए स्टेटमेंट को नहीं समझ पाता है, ठीक है, हेड से लगे हुए स्टेटमेंट को नहीं समझ पाता है। प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्री प्रोसेसर का बेसिकली काम होता है, प्री प्रोसेसर का बेसिकली काम होता है हेड से लगे हुए स्टेटमेंट को एक, ध्यान से सुनना मेरी बात, सभी लोग पूरे अच्छे से सुनना, ठीक है,
प्री प्रोसेसर का काम बेसिकली ये होता है, क्योंकि आगे प्री प्रोसेसर करके एक पूरा टॉपिक है, उसमें बहुत अच्छे से हमको समझना है प्री प्रोसेसर को। प्री प्रोसेसर का बेसिकली काम समझते हैं हम। प्री प्रोसेसर का काम होता है हैश से लगे हुए स्टेटमेंट को एक ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना जिसको कि कंपाइलर समझ सके, ठीक है बात। हैश से लगे हुए स्टेटमेंट, जैसे एक लाइन यहाँ पे लगी हुई है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश से लगे हुए स्टेटमेंट को प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है जिसको कि कंपाइलर समझ सके। क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये जो फाइल है यहाँ पे हैज इंक्लूड नहीं लगा हुआ है, बाकी जैसे लिखा हुआ सेव वैसे ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे डॉट सी एक्सटेंशन दिया हुआ है हमने, यहाँ पे डॉट आई एक्सटेंशन है। मतलब एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है, प्री प्रोसेसर जो फाइल बना करके देता है, ठीक है, या फिर ये कहें कंपाइलर जिसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट आई होता है, ठीक है बात। उसके बाद कंपाइलर क्या करता है, डॉट आई फाइल को, कंपाइलर क्या करता है, डॉट आई फाइल को एग्जीक्यूट करने का काम करता है और डॉट ओबीजे फाइल बनाता है। हम लोगों ने ओबीजे फाइल देखा था पिछली क्लास में, जब आप लोगों को अगर याद हो तो जो पहला हम लोगों का प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और डॉट ई एक्स ई फाइल कहाँ पे हमको मिलती है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। और जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया था कोई दिक्कत नहीं, आज भी हम इसको देखेंगे कि डॉट ई एक्स ई फाइल कहाँ पे कैसे बनती है। क्लियर है? कंपाइलर डॉट ओ बी जे फाइल दे दिया, अब लिंकर क्या करता है, लिंकर क्या करता है, ओ बी जे फाइल जो होती है, ठीक है, ओ बी जे फाइल जो होती है, एक्चुअली वो होता तो 01 के फॉर्म में ही है, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, 01 के रूप में एक फाइल मिल रही है जिसको हम डॉट ओ बी जे फाइल बोल रहे हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाएगा। एक बात मुझे बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी फाइल को रीड करता है, कौन सी फाइल को समझता है, कौन सा एक्सटेंशन वाली फाइल को, कोई बताए मुझे? .exe। वेरी गुड, डॉट ई एक्स ई फाइल को ही ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है, ठीक है। तो डॉट ई एक्स ई फाइल को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहा है, डॉट ई एक्स ई फाइल को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो ओ बी जे फाइल है ना, ध्यान इधर देना, जो ओ बी जे फाइल है, जो ओ बी जे फाइल है, हो सकता है कुछ इसमें ऐसे स्टेटमेंट हो जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना समझ पाए। तो लिंकर का बेसिकली काम क्या होता है, लाइब्रेरी फाइल से उस स्टेटमेंट का मतलब निकालना और ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाना, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो मीनिंग होगा, ठीक है, या फिर ये कहें ऐसा स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर डॉट ई एक्स ई फाइल में जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम तरीके से रीड कर सके। तो लिंकर का बेसिकली काम क्या होता है, लाइब्रेरी फाइल से उस स्टेटमेंट को निकालना जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाता है, राइट, उसको कन्वर्ट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाना। बेसिकली हमारा टास्क रहता है डॉट सी फाइल बनाना और जो फाइल हमको रिसीव होती है, जो फाइल फाइनली हमको मिलती है, उसको हम डॉट ई एक्स ई फाइल बोलते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। ये क्लियर है सभी को ना? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। चलो ठीक है, चलो जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा था उसको हम ओपन करते हैं और वहां पे हम समझते हैं आज। हम लोगों ने किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, मैंने अपना नाम प्रिंट किया था, प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ किया था मैंने, क्या नाम था उसका, कुछ प्रिंट करने के लिए मैंने एक फंक्शन यूज़ किया था ना, प्रीडिफाइंड फंक्शन, प्रिंट एफ हमने यूज किया था। चलो इसको थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, ये ओपन हो जाए फिर हम आगे समझते हैं।
आप लोग घर पे पढ़ाई करते हैं ना कि कॉपी किताब बंद कर यस सर करते हैं। ठीक है क्योंकि आप लोग का टेस्ट भी होगा ऑनलाइन ही। ओके सर ठीक है। ये नई फाइल ओपन हुई थी और हम प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसको सेव कर लेंगे। बेसिकली ये जो आईडीई है कोड ब्लॉक जो है, ठीक है सिंपल टर्म्स में समझते हैं, जो कोड ब्लॉक है उस पर हम कुछ और भी कोडिंग कर सकते हैं, किसी और टेक्नोलॉजी की कोडिंग कर सकते हैं। इसलिए हमको फाइल बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि फाइल को हमको .c एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेना है। ठीक है या तो आप पहले ही सेव कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है first.c के नाम से एक फाइल बनी हुई, तो हम किसी और नाम से बना लेते हैं, hello.c से भी बनी। मतलब देखो ध्यान क्या रखना है कि जो फाइल आप बनाएंगे उस नाम से कोई और फाइल नहीं बनी होनी चाहिए। जैसे देखो हेलो लिखा मैंने तो यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है फर्स्ट भी लिखाऊंगा तो फर्स्ट भी आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट के नाम से भी बनाया हुआ है हमने। तो हम xyz लिख देते हैं, xyz कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है xyz.c। क्लियर है सभी को? ये हमने फाइल का नाम दे दिया और फाइल का नाम देने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है xyz.c दिख रहा है सभी को ना, ये जो मैंने नाम दिया है। क्लियर है? देखो अब एक स्टूडेंट को पूछना था कि सर आप हेडर फाइल क्यों नहीं लगाए थे। ठीक है देखो बेसिकली प्रिंटएफ और स्कैनएफ जो फंक्शन है, आज हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ दोनों को समझेंगे। ठीक है देखो पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या किया था, एक मेन फंक्शन बनाया था। ये जो मेन फंक्शन है, ये जो मेन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है एक्चुअली ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। ठीक है ये जो मेन यहाँ पे लिखा है मैंने, ये मेन फंक्शन होता है। और जब कभी भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं या फिर ये कहें जब कभी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। बात समझ में आई? एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। उसके बाद हम इनसाइड हम कुछ भी लिखें जैसे प्रिंटएफ, अगर हमको किसी मैसेज को प्रिंट करना है तो ठीक है प्रिंटएफ हम लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। क्लियर है? प्रिंटएफ लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है प्रिंटएफ क्या करेगा, आप किसी भी मैसेज को अगर आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो प्रिंटएफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जो मैसेज को या फिर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करता है। क्लियर है इतना? जो मैसेज को या फिर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करने का काम करता है। यस सर ठीक है बात इतना ना। ठीक है अब देखो पहले तो ये समझना कि यहां पे जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे उसको हम डबल कोट के इनसाइड लिखेंगे। स्ट्रिंग नहीं समझ में आ रहा सर स्ट्रिंग क्या होता है, तो आप ऐसे समझो जो भी यहाँ पे हम मैसेज लिखेंगे डबल कोट के अंदर है ना, जो भी हम मैसेज लिखेंगे वो डबल कोट के इनसाइड ही रखेंगे। ठीक है तो डबल कोट के इनसाइड, जैसे हमको कुछ भी प्रिंट करवाना है, हेलो प्रिंट करवाना है तो हम इसको डबल कोट के इनसाइड रखेंगे। डबल कोट के इनसाइड रखा है मैंने हेलो को। ठीक है तो किसी भी मैसेज को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो डबल कोट के इनसाइड लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, ये देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया है। देखो मेन फंक्शन की अपनी एक बॉडी होती है। ठीक है जितने भी फंक्शन हम बनाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन आगे हम देखेंगे, फंक्शन भी एक टॉपिक है आप लोगों में जिसको हम आगे समझेंगे। बात को समझना, जितने भी फंक्शन होते हैं सबकी अपनी खुद की एक बॉडी होती है। ठीक है और उस बॉडी को अगर आप ओपन कर रहे हैं, उस ब्रेसेस को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना भी कंपलसरी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया है, देन इसके इनसाइड आप जो भी लिखना चाहते हो आप उसको लिखो। अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आप वेरिएबल बनाओ, आपको अगर किसी फंक्शन को यूज करना है तो आप किसी फंक्शन को यूज करो। ठीक है और देन आफ्टर क्या करो, इसको क्लोज कर दो, लास्ट आपको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है बात? तो हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया। देखो जैसे आप लोग घर में देखते होगे तो एक घर में सबसे जो बाहर होता है एक मेन गेट होता है। ठीक है उस मेन गेट के अंदर कई सारे गेट लगे होते हैं, कई सारे गेट मतलब कि जैसे आप किसी घर में इंटर कर रहे हो तो सबसे पहले बाहर एक मेन गेट होता है, उसके बाद जैसे ही आप इंटर करते हो एक हॉल का वो रहता है। ठीक है एक हॉल में गेट लगा रहता है, फिर आप उसके अंदर जाते हो तो कई सारे
दरवाजे लगे होते हैं, ऐसे समझो दरवाजे होते हैं, ठीक है। आप किचन में जा रहे हो या फिर बेडरूम में जा रहे हो, सभी के घर में ऐसा लगा होगा, राइट ना। तो देखो मेन गेट लगाना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप मेन गेट में कभी कभी कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आप मेन गेट में ताला नहीं लगा रहे हो, तो लोग यही सोचते हैं कि इसके घर में कोई नहीं है, राइट। और अगर आप मेन गेट को प्रॉपर बंद नहीं करके जाओगे, तो फिर आपके घर में क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, ऑब्वियसली, है ना। तो देखो आपको मेन गेट को क्या करना है, मेन गेट को क्या करना है, हमेशा क्लोज करके रखना है। नहीं करोगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार के चोर डाकू घुस सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना है कि मेन गेट को हमेशा क्लोज करके रखना है, ठीक है। और जिस प्रकार से घर में, किसी घर में मेन गेट का होना जरूरी है, वैसे ही इसी प्रोग्राम में भी मेन फंक्शन का होना जरूरी है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लगाओगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेन फंक्शन कंपलसरी है सी प्रोग्राम में लगाना, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन क्या होता है, मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे हमको समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये देखो सभी में, आपको सभी प्रोग्राम में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा सेम ऐसा ही। अब बात ये आती है कि सर आप हेडर फाइल क्यों नहीं लगाए थे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम हेडर फाइल लगा ही देते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h लगा देते हैं, ठीक है। stdio.h लगा दिया हमने। देखो यहाँ पे जो h है, देखो सबसे पहले तो ये समझना हेडर फाइल्स होती क्या है। बेसिकली हेडर फाइल को भी हम आगे समझेंगे बहुत अच्छे से, वो भी एक टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल में हमको ये समझ के रखना है। हेडर फाइल जैसे stdio.h है, ये एक हेडर फाइल है। कैसे पता हमको, कैसे पता कि एक हेडर फाइल है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन .h लगा हुआ है, ठीक है। जिस किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .h होगा उसको हम बोलेंगे हेडर फाइल, जो हम सी प्रोग्राम में यूज करेंगे। क्लियर है ये बात सभी को? जिसका एक्सटेंशन .h होगा यस उसको हम बोलेंगे हेडर फाइल, क्लियर है। अब देखो एक्चुअली जो सर। stdio.h है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं जा रही आवाज, सही एक मिनट रुक जाओ बस। अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है, यस सर। अभी सभी को क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक यस है। सर। हाँ वो कभी कभी नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, अभी सही जा रही होगी आवाज, ठीक है। कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है तो उससे टेंशन ना लिया करें आप लोग, ठीक है। तो ये stdio.h हो गया, stdio.h हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे हेडर फाइल है, जैसे एक दूसरी हेडर फाइल और होती है, एक दूसरी हेडर फाइल और होती है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं करेगा, आप लोग टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हेडर फाइल और होती है conio.h, conio.h, ठीक है। आपको और भी हेडर फाइल मिल जाएंगी, जैसे एक होता है math.h, math.h क्या होता है, math.h, math.h, string.h, कई सारी हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल सर क्यों बनाया गया, ये तो अपने को पहले बताओ कि हेडर फाइल क्यों बनाया गया, हेडर फाइल की जरूरत क्या है। देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट का कुछ ना कुछ मतलब है, तभी वो प्रोग्राम में अप्लाई किया जा रहा है। एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है, राइट ना। देखो ये जो प्रिंट एफ है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। ये जो प्रिंट एफ है जो मैंने लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है अभी तो अपने को पता नहीं है, ठीक है। देखो फंक्शन बेसिकली हम आगे तो समझेंगे ही, ठीक है, लेकिन अभी बस इतना समझना कि जो भी फंक्शन है उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। जैसे प्रिंट एफ का काम है किसी मैसेज को प्रिंट करना, ठीक है। टेक्निकली इसको हम आगे समझेंगे, अभी फिलहाल हमको समझ के इतना रखना है कि किसी भी फंक्शन को अगर हम लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वर्क होता है, पर्टिकुलर उसका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। जैसे प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ का काम है, प्रिंट एफ का काम क्या होता है, किसी मैसेज को प्रिंट करना, ठीक है। एक बात और है, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया कि प्रिंट एफ का काम होता है किसी मैसेज को प्रिंट करना। तो सर लेकिन अभी भी ये नहीं समझ में आया कि हेडर फाइल आप क्यों लगा रहे हैं, प्रिंट एफ तो चलो ठीक है किसी मैसेज को प्रिंट करने का काम कर रहा है तो आपने प्रिंट एफ लगा दिया, लेकिन ये stdio.h लिखा है जो आपने, ये नहीं समझ में आ रहा है हमको, है ना। चल रहा होगा डाउट कि stdio.h क्यों लगा रखा यस हूँ, है ना। ध्यान से समझना, ये जो प्रिंट एफ है, ध्यान से समझना, ये हेडर फाइल stdio.h में प्रेजेंट है, ठीक है। जो प्रिंट एफ है उसके लिए कोड लिखा गया है, प्रिंट
ठीक है, उसके लिए कोड लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? stdio.h हेडर फाइल में लिखा गया है। सर हम इसको देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आप जब जाओगे, ध्यान से समझना, ठीक है, जब आप टर्बो C3 में जाओगे, जो आपको फोल्डर मिलेगा सी ड्राइव में, तो टर्बो C3 करके एक फोल्डर मिलेगा, और यहाँ पे जब आप जाओगे BGI में, राइट, सॉरी BGI में नहीं, बिन में जाओ, इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूड वाले में चले जाओ, ठीक है, ये इंक्लूड करके जो फोल्डर है, इसमें आप देखोगे तो कई सारे हेडर फाइल हैं। देखो सबका एक्सटेंशन .h लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो सभी का एक्सटेंशन .h लगा हुआ है। ये इतनी सारी की सारी क्या है? हेडर फाइल्स है। जैसे देखो मैंने लिखा था ना math.h, तो यहाँ पे math.h आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सभी के सभी हेडर फाइल हैं, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा था? stdio.h की। stdio.h यहाँ पे दिख रहा है सभी को? यस सर, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे, इसको जब हम खोलने का काम करेंगे, ठीक है, चलो मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। इसको मैं नोट पैड से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो इसके लिए कोड लिखा गया है, stdio.h ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो कुछ इन्होंने कमेंट यूज किया हुआ है, हम आगे समझेंगे कमेंट क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो ना प्रोग्राम, ये पूरा, यस सर, तो ये पूरा प्रोग्राम लिखा गया है stdio.h के इनसाइड, जिसके अंदर ही printf के लिए भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ही printf के लिए भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट ना, जिसके अंदर ही printf के लिए प्रोग्राम लिखा गया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रीडिफाइंड स्ट्रिप्स, राइट। तो ये सभी जो प्रोग्राम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसको हम क्या करते हैं, हैज इंक्लूड करके अपने प्रोग्राम में, हैज इंक्लूड करके, देखो हैज इंक्लूड लगाने का मतलब ये होता है कि हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम एक कमांड समझ सकते हैं, हैज इंक्लूड को, हैज इंक्लूड एक कमांड है, आगे समझेंगे हैज प्री प्रोसेसर है और किस तरीके से प्रोसेसर काम करता है, क्या हम आगे समझेंगे। अभी मैं अगर आप लोगों को टेक्निकली समझाने लग जाऊं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ के रखना आप लोग कि हैज इंक्लूड एक ऐसा कमांड है जो किसी हेडर फाइल को अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करने का काम करता है, किसी हेडर फाइल को अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करवाने का काम करता है। क्लियर है इतना? यस सर, ठीक है। अब जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, अब बात समझ में नहीं आ रही सर, ये प्रीडिफाइंड नया शब्द लग रहा है। देखो प्रीडिफाइंड का मतलब ये होता है जो पहले से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। प्रीडिफाइंड, जैसे प्रिंटफ जो है एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इंटरव्यू में या फिर कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीडिफाइंड क्या है, तो कुछ लोगों का आंसर होता है कि प्रिंटफ जो है वो एक कीवर्ड है, राइट। तो कभी भी ऐसा आंसर नहीं करेंगे कि प्रिंटफ एक कीवर्ड है। प्रिंटफ क्या है? एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका काम होता है किसी मैसेज को प्रिंट करना, ठीक है। अब printf के लिए जो कोड लिखा गया है वो stdio.h हेडर फाइल में लिखा गया है, ये बात क्लियर हुई सर? ठीक है, yes, sir. हमको क्या करना है कि जब कभी भी हम किसी प्रीडिफाइंड फंक्शन को लगाते हैं, किसी भी प्रीडिफाइंड फंक्शन को लगाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए कोड जिस हेडर फाइल में लिखा गया है उसको इंक्लूड करना जरूरी है। मैंने क्या बोला, अगर मैं प्रिंटफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रिंटफ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, तो इसके लिए जिस हेडर फाइल में कोड लिखा गया है उसको लगाना जरूरी है। अब कुछ जो बुद्धिमान होंगे बोले सर पिछली क्लासों में तो आप stdio.h नहीं लिखे थे, फिर भी प्रिंटफ चल गया था, तो ऐसा कैसे हो गया? देखो प्रिंटफ और स्कैनफ दो ऐसे प्रीडिफाइंड फंक्शन हैं जो कि बाय डिफॉल्ट चलते हैं। बाय डिफॉल्ट कहने का मतलब ये होता है ये लगभग सभी प्रोग्राम में चलते हैं, इसलिए हम प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए अगर stdio.h हेडर फाइल ना लगाएं तो भी ये चल जाता है। क्लियर है बात इतना ना? यस सर। लेकिन आज के बाद हम जो प्रोग्राम का ये रूप दिख रहा है, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये जो प्रोग्राम का रूप दिख रहा है ऐसे ही बनाएंगे, मतलब हेडर फाइल लगा करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि कल की क्लास तक हम नहीं समझे थे कि हेडर फाइल किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी भी प्रॉपर हेडर फाइल को नहीं समझा कि ये हेडर फाइल क्या होता है, कैसे कोडिंग होती है। आगे की क्लास में जब हम लोग थोड़ा सी प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे, तो ये जो कोड आप देख रहे हो ना यहाँ पे मैंने खोल के रखा था,
एक हेडर फाइल बनी हुई थी, हम लोग खुद का हेडर फाइल बना सकते हैं, ठीक है। ये जो कोड देख रहे हो आप लोग, खुद से कोडिंग पूरी कर सकते हो, मतलब खुद की हेडर फाइल बना करके उसमें फंक्शन बना सकते हो। ये जो प्रिंटफ काम कर रहा है, प्रिंटफ की तरह आप खुद के भी फंक्शन बना सकते हो जो काम करेगा, दो नंबर को ऐड कर सकता है, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, ऐसे फंक्शन बनाना आप लोग सीख जाओगे जो फंक्शन काम करेगा, मतलब एज अ कैलकुलेटर काम करेगा जो फंक्शन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब कभी भी प्रोग्राम जब कभी भी बनाएंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको हेडर फाइल लगा करके रखना है सभी प्रोग्राम में stdio.h। क्यों लगाएंगे भाई? क्योंकि प्रिंटफ या फिर जो कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन अगर हम यूज करना चाह रहे हैं, राइट, वो जिस हेडर फाइल में प्रेजेंट रहता है उसको लगाना हमारा, मतलब उसको लगाना कंपलसरी है। क्लियर है इतनी बात ना? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। जिसको डाउट है सर, एक चीज पूछना था सर, रिटर्न फंक्शन का यूज नहीं किया है इसमें? हाँ, रिटर्न का देखो अभी बहुत कुछ यूज नहीं किया इसमें, मैं गेट सी एच भी आप लोग देखते होंगे, गेट सी एच भी मैंने नहीं लगाया, अभी बहुत कुछ नहीं लगाया इसमें, तो ये तो पहला प्रोग्राम है ना, अभी आगे मत बढ़ो ज्यादा, है ना, ठीक है। अच्छी बात है, रिटर्न लगाते हैं, रिटर्न कहाँ पे यूज होता है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है, बिना रिटर्न के भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। क्लियर है अभी तक? मैं बताओ कोई डाउट है क्या? हम रिटर्न भी समझेंगे, गेट सी एच भी समझेंगे, सब चीज धीरे धीरे आगे समझेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में अपने को आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो यस सर। देखो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये आप जहां पे नाम देखोगे मतलब ये प्रोग्राम हमने सेव नहीं किया। अब जैसे इसको सेव करोगे ना, जैसे इसको सेव करोगे तो यहाँ से स्टार हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपाइल करने के लिए आप क्या करोगे, बिल्ट एंड रन करोगे, तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा, ठीक है। ये हेलो वर्ड आपको हेलो दिखाई दे रहा होगा, हेलो एक शब्द दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कंसोल विंडो पे। ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं या फिर कंसोल विंडो बोलते हैं, याद रहेगा ना सभी को? ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं या फिर कंसोल विंडो, कंसोल विंडो है ना, कंसोल विंडो या फिर आउटपुट स्क्रीन। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको हेलो दिख रहा होगा, मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और देखो नीचे यहाँ पे कोड ब्लॉक जो है ना, ये एडवांस वर्जन है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लिया है ये भी यहाँ पे लिख देता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम भी दिख रहा है कि इतने 0.316 सेकंड में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है ना। चलो इतना क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है प्रिंटफ में? यस सर। नहीं ना, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। प्रिंटफ का तो काम समझ में आ गया। अब प्रिंटफ के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों में, वेरिएबल का, कि वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, इसको हम समझते हैं सबसे पहले वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल समझते हैं, दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। देखो मैंने क्या बताया था पहली क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे एल्गोरिथम, तो उसी टाइम पे मैंने बताया था कि वेरिएबल जो होता है वो किसी ना किसी के क्या काम होता है, थोड़ा सा मुझे समझाओ, वेरिएबल को मैंने क्या बताया था, वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर करता है सर, है ना, वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। तो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या होता है। अ वेरिएबल इन सिंपल टर्म्स, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, है ना, लिख भी सकते हैं, क्या लिखना है सभी को, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स
storage place which has some memory allocated. मेमोरी एलोकेटेड, ठीक है. और इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे लिख दें बेसिकली. और वेरिएबल वेरिएबल स्टोर डेटा. क्लियर है? ये इसकी डेफिनेशन है, टेक्निकल इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है. अ वेरिएबल इन सिंपल टर्म्स इज अ स्टोरेज प्लेस विच इज सम मेमोरी एलोकेटेड, राइट. बेसिकली अ वेरिएबल यूज टू स्टोर डेटा. और भी इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी से टेक्निकल टर्म्स में कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है. तो हमको सिर्फ टेक्निकल ही समझ के रखना है कि क्या होता है वेरिएबल, राइट. तो देखो, वेरिएबल वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक स्टोरेज प्लेस हो जाएगा. सर हाँ बताओ, क्या बोल रहा हूँ? सर मेमोरी एलोकेट करता है ना. हाँ, वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है, किसको? जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है. जैसे देखो, अगर हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये समझना, अगर हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं नीचे कर दूँ तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, सपोज हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, सेमी कॉलन. तो ए जो होगा ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है. अभी आप लोग प्रोग्राम में देखोगे इंट ए इज इक्वल टू 3, राइट. तो इंट तो अभी हमने को पता नहीं है ना इंट क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे. अभी अभी जस्ट इसके बाद का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप, उसमें हम समझेंगे इंट क्या होता है, ठीक है. अभी का हमारा टॉपिक है वेरिएबल, ठीक है. देखो यहाँ पे इंट जो है ये एक डेटा टाइप है, बात की बात है, आगे की बात है, इसको हम समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है. ए जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ए जो हमने यहाँ पे लिख वेरिएबल है सर, ए जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है जो क्या काम कर रहा है, 3 को स्टोर करने का काम कर रहा है. ए क्या कर रहा है? 3 को स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है. कैसे स्टोरेज होगा? देखो कुछ इस प्रकार से मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, राइट. कुछ इस प्रकार से मेमोरी में क्या होगा? स्पेस क्रिएट हो जाएगा. और यहां पे जो नाम रहेगा इसका, राइट, इस ब्लॉक का नाम ए रहेगा. ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसका नाम क्या रहेगा? ए रहेगा. और इसके इनसाइड जो हम डेटा रखेंगे, मतलब जो डेटा प्रेजेंट रहेगी वो 3 रहेगा, ठीक है. मतलब इस ब्लॉक का नाम क्या रहेगा? ए. और इसमें जो डेटा रहेगा उसको हम बेसिकली, देखो ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? असाइन. ए असाइन 3, कहने का मतलब ये होगा कि ए के नाम से मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसको ए को हम वेरिएबल बोल रहे हैं, और 3 जो है उस जाकर के जहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ रहेगा वहां पे जाकर के स्टोर हो जाएगा. क्लियर है इतनी बात? क्या? यस सर. वेरिएबल की बात क्लियर है? वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल मतलब एक नाम है जो कि मेमोरी में जो स्पेस क्रिएट होता है उस स्पेस को बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है. अब सर ये नाम क्यों क्रिएट होता है? देखो आप कभी भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट से मिलने के लिए जाते हो, तो होता क्या है कि वहां पे तो कई सारे पेशेंट हैं, राइट. तो हम कभी कभी नाम से नहीं पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि किस रूम नंबर में है, या फिर किसी होटल में अगर हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो ये पूछते हैं कि इस रूम नंबर में मिलना है हमको, इस रूम नंबर वाले व्यक्ति से मिलना है, राइट ना. तो ऐसे ही समझ सकते हो आप कि उसमें जो व्यक्ति है वो कुछ वैल्यू होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है. और उसके पहले जो ए लिखा हुआ है ये वेरिएबल है, जैसे उस होटल का रूम नंबर रहता है, ठीक है.
जिस भी रूम में वो व्यक्ति प्रेजेंट रहता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर हम उसको उस व्यक्ति को बुलाना है तो हमको उस रूम नंबर से कॉल करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है कि अगर आपको 3 को कॉल करना है, मतलब 3 को आगे कहीं पे भी यूज करना है, इस 3 को आगे कहीं पे भी यूज करना है, तो आप डायरेक्टली 3 को कॉल नहीं कर सकते। देखो ये कॉल करने वाली बात थोड़ी सी अटपटा सा लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा सर कॉल क्यों करेंगे हम इसको, ठीक है हम आगे समझेंगे अभी कॉल कैसे करते हैं। ठीक है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हम हमेशा आप 3 की जगह पे ए लिखेंगे, मतलब 3 ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ए क्या करेगा 3 को बुलाने का काम करेगा। क्लियर इतना? आगे हम इसको एग्जांपल में समझ रहे हैं, आगे हम इसको एग्जांपल में समझ रहे हैं, अभी कोई टेंशन नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है डेफिनेशन से तो, ठीक है। हाँ इतना, ये जो इमेज है ये हमेशा दिमाग में बना के रखना, और 100% मैं बता रहा हूँ आपको कि जितना भी प्रोग्रामिंग आप जितने भी प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में बनाओगे, वेरिएबल का जरूरत आपके लगभग सभी प्रोग्राम में पड़ेगी, वेरिएबल की जरूरत लगभग सभी प्रोग्राम में पड़ेगी। तो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है सी का, हालांकि कई सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है, लेकिन जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो प्रोग्राम में वेरिएबल जो है ये पहला टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, अभी तक हम लोगों ने ये समझा वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ कोई सा स्पेस है जो कि उस पर्टिकुलर स्पेस को नाम प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अब देखो उसके कुछ ना कुछ रूल हैं। रूल क्या है कि ये जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, ठीक है, रूल क्या है, ये जो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल इसमें क्या है एक बार बताना मुझे, ये जो लाइन इसमें वेरिएबल क्या है, इंट है ना सर? ए है। इंट नहीं है ना? यस। नहीं सर। ठीक है, इंट डेटा टाइप है सर। इंट डेटा टाइप है। ए जो है ये वेरिएबल है। वेरी गुड। ए जो है क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। ये जो वेरिएबल हम बनाएंगे, वेरिएबल मतलब कि कोई सा नाम दे रहे हैं किसी मेमोरी के स्पेस को, हम कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक है। देखो मेमोरी है उसमें कई डेटा स्टोर होंगे, राइट, कई डेटा स्टोर होंगे ना भाई, मेमोरी में कुछ भी स्टोर हो सकता है। तो बेसिकली हम जिस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, हमको उस वैल्यू को पर्टिकुलर ना कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। अब मेमोरी में डेटा जाकर के स्टोर होगा तो हमको उस जो एरिया रहेगी उस पूरे एरिया को हम नाम दे देंगे, राइट, क्योंकि 3 जो होगा वो तो जाकर के बाइनरी नंबर में स्टोर होगा ना भाई, कंप्यूटर 3 नहीं समझता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर ही समझता है। तो ये जो 3 का बाइनरी होगा, ये जो डब्बा बनाया था ना मैंने रेड कलर में, वो उस ब्लॉक में जाकर के 3 बाइनरी नंबर में पहले 3 कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाकर के उस ब्लॉक में स्टोर होगा। क्लियर है? तो इसके कुछ रूल ये हैं कि जो हम वेरिएबल बनाएंगे, जो रूल्स हैं इसके, ठीक है, जो इसके रूल्स हैं, जो हम वेरिएबल बनाएंगे, राइट, जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे वो अल्फाबेट हो सकता है। क्या हो सकता है? अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए, ठीक है, तो आप यहाँ पे ए लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल का नाम जो दे रहे हो, जो वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल मतलब कि नाम, ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो लेकिन वो अल्फाबेट रहे, पहला ये रूल जो है, ठीक है। या तो आप स्मॉल ए भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप देना चाहते हो कुछ भी देना चाहते हो, जैसे बी एन करके देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का वेरिएबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मोबाइल नंबर स्टोर करने के लिए अगर कोई सा वेरिएबल बनाना चाहते हो तो MB करके बना सकते हो, ठीक है, या मोबाइल नंबर करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल आप अल्फाबेट को मिला करके भी बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ ए ही वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट में, ठीक है। ये पहला रूल है कि जो वेरिएबल का नाम रहेगा वो अल्फाबेट में रहेगा। और जो दूसरा इसका रूल है, दूसरा जो इसका रूल है, ठीक है, ये देखो वेरिएबल का जो नाम हम बनाएंगे, वेरिएबल का जो हम नाम बनाएंगे, कांट स्टार्ट विथ न्यूमेरिक डिजिट, ठीक है। हम ऐसा वेरिएबल कहीं पे नहीं बनाएंगे कि जैसे नंबर का यूज करके नहीं बनाएंगे सर। हाँ, नंबर का यूज करके नहीं बनाएंगे कि आप ऐसा कुछ बना रहे हो इंटीजर 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। ये जो है ये इस तरीके का हम वेरिएबल कहीं पे नहीं बनाएंगे, ये जो है ये प्रोसेस हमारा नहीं करना, इसको हमको नहीं करना,
क्लियर है, हमको न्यूमेरिक नंबर को नहीं बनाना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप अल्फाबेट के साथ साथ, अल्फाबेट के साथ साथ, मैं पहले ही पॉइंट में इसको मेंशन कर देता हूं, अल्फाबेट के साथ साथ अंडरस्कोर लगा सकते हो। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ब्रैकेट के इनसाइड जो मैंने लिखा है, ठीक है, या ब्रैकेट हटा दूं अगर कंफ्यूजन हो तो, ये जो सिंबल है इसको हम लगा सकते हैं अल्फाबेट के साथ साथ, ठीक है, ये वाला, इसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट से हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो, इंट अंडरस्कोर वेरिएबल होता है। हाँ, अंडर इसको देखो, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, हम उसको देखो एट द रेट करके कोई सा वेरिएबल नहीं बनाएंगे, या फिर ये डॉलर सिंबल से कोई सा वेरिएबल नहीं बनाएंगे, या फिर हैश लगा करके कोई सा वेरिएबल नहीं बनाएंगे, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में आप यूज कर सकते हैं सिर्फ अंडर स्कोर, अंडर स्कोर ए, ये एक वेरिएबल माना जाएगा, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू जो भी स्टोर करवाना चाहते हैं आप स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अंडर स्कोर सर सिंगल अंडर सर सिंगल अंडर स्कोर को वेरिएबल नहीं माना जाएगा ना, ये भी एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल ही है, राइट। लेकिन देखो वेरिएबल बना, ये तो हमको याद रखना है, ये तो रूल है जो हमको याद रखना है। लेकिन देखो अंडर स्कोर बनाओगे आप, हो सकता है भूल जाओ कि क्या बनाया हो, ठीक है, अंडर स्कोर में हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएं। तो देखो वेरिएबल का नाम वही होना चाहिए जो आपको याद आ जाए कि हाँ इसमें कौन सी वैल्यू को हमको कॉल करना है, तो हमको किस वेरिएबल से कॉल करना है, मतलब उस वैल्यू को पर्टिकुलर हम क्या नाम दिए हुए हैं, राइट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम किस उस वैल्यू के लिए कौन सा वेरिएबल। लेकिन सर केवल अंडर स्कोर को लेकर बना सकते हैं, अंडर स्कोर को लेकर के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर्फ अंडर स्कोर से वेरिएबल बन सकता है क्या, ऑब्वियसली बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अल्फाबेट या फिर अंडर स्कोर, सिर्फ अंडर स्कोर से भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सभी को? यस सर। एक सेकेंड बस रुकना। हेलो सर। बच्चों का तो सीएस ब्रांच वालों का भी ना, तो उसमें क्या रखना पड़ेगा सर? अच्छा, दो ही दिन में करवाना है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। तो ऑनलाइन ही लेना है वाइबा? तो ठीक है सर, सर गूगल मीट से ही ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? हाँ गूगल मीट से सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस टाइम पे वाइबा होगा, और बच्चों से पूछ लेते हैं जिसका जैसा रिस्पांस रहेगा उसको दे दिया जाएगा, है ना सर? और साथ में बैठ करके ले लिया जाएगा वाइबा। हाँ क्वेश्चन वगैरह जो भी रहे, हाँ हाँ सही रहेगा, ये भी गूगल मीट पर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लेंगे और दोनों लोग ले लेंगे। हाँ तो इसको कब का रखा जाए सर? कल परसों में? ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है सर। ओके सो गए क्या सब लोग? नो सर। नहीं सर। कौन बोल रहे हो? सर जग रहे हैं। सर जग रहे हो, अच्छी बात है। देखो क्या क्या कॉल आते रहते हैं यार, अभी आप लोगों का वाइबर नहीं हुआ है ना? नो सर। बस तो नहीं सर, वाइबर हो नो सर का आजकल में, ठीक है, ऑनलाइन ही वाइबर होगा, मैं ही लूंगा वाइबर। चलो ठीक है। ओके सर। सर एग्जाम
कौन सा एग्ज़ाम, अभी तो एग्ज़ाम जो होगा वो देखा जाएगा, और मे बी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, है ना? अभी तक तो यही है सेकंड सेमेस्टर वाला सर। हाँ सेकंड सेमेस्टर का, तो अभी तक तो यही चांसेस है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, है ना? आगे देखते हैं कि क्या कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कहीं से कोई तक प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ आप क्लास अटेंड कर रहे हो थोड़ा सा टाइम दो घर पे, ऑनलाइन होगा तो भी या फिर ऑफलाइन होगा तो भी। लास्ट में एक हफ्ते मैं कुछ थोड़ा डिस्कस भी कर दूंगा और कुछ ऐसा बता भी दूंगा। अभी भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो लेकर के ही चलता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? बात तो क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें, बाकी जो होगा देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो कहाँ पे थे हम लोग? ओके सर। कि किसी न्यूमेरिक डिजिट से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्लियर है? किसी न्यूमेरिक डिजिट से इसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, आप कभी भी है ना इस तरीके से नहीं बनाओगे। इंट, इंट में जो लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? ये डेटा टाइप है, क्यों लगाते हैं आगे समझ में आएगा। थ्री मतलब कुछ नाम ही नहीं दिया आपने, यहाँ पे कुछ नाम दिया हमने नहीं, सर डेटा। है ना? तो आप ऐसे भी नहीं बनाएंगे, मतलब इसको टेक्निकल टर्म्स में जैसे यहाँ पे स्पेस हम बोल रहे हैं ना, स्पेस दे दिया, एक स्पेस दे करके इक्वल टू लगा दिया, असाइन कर दिया वैल्यू को थ्री, है ना? तो नेम होना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ नाम होना ज़रूरी है, ठीक है? वाइट स्पेस हम नहीं रखेंगे, ठीक है? वाइट स्पेस हम टेक्निकल टर्म में स्पेस को वाइट स्पेस बोलते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग में वाइट स्पेस बोलते हैं जो हम स्पेस देते हैं, ठीक है? तो हम जब कभी भी वेरिएबल बनाएंगे तो वाइट स्पेस नहीं रखेंगे, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये है तो आपके वेरिएबल के नियम, ठीक है? यस सर। वेरिएबल बनाने के अल्फाबेट क्या क्या हो गया, हमको अल्फाबेट से नाम की शुरुआत कर सकते हैं, हम डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा जरूर कर सकते हैं, हम अल्फाबेट के बाद डिजिट जरूर लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? बात ये नहीं करेंगे हम, ए टू कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट से शुरुआत करें उसके बाद जो भी नंबर लिखना चाहें हम लिख लें, कोई दिक्कत यस सर। ठीक है, तो ये वेरिएबल की बात रहेगी, इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो सर ठीक है। थर्ड वाला फिर से। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला ये है कि वाइट स्पेस अलाउ नहीं किया जाएगा वेरिएबल बनाते टाइम, ठीक है? सर टू ए नहीं लिख सकते हैं लेकिन ए कैसा? टू लिख सकते हैं। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि न्यूमेरिक डिजिट से वेरिएबल का नाम की शुरुआत हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप ए टू जरूर लिख ओके सकते सर। हो, मतलब अल्फाबेट से शुरुआत कर रहे हैं ना तो ए टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ए वन। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप कैपिटल ए बना रहे हो और उसके बाद इसको हम आगे एग्जाम्पल में भी समझेंगे, आप इसको ये मान के चल रहे हो कि स्मॉल ए लिखेंगे तो वैल्यू थ्री ही कॉल होगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ठीक है? यहाँ पे कैपिटल ए फॉर बड़ा वाला एप्पल होगा, स्मॉल ए फॉर छोटा वाला एप्पल होगा, ठीक है? मतलब कैपिटल ए का अपना एक मतलब रहेगा, स्मॉल ए का अपना एक मतलब रहेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही थोड़ी सी? देखो इसका मतलब ये है इंट ए इज इक्वल टू थ्री, ये कर्सर दिख रहा है आपको, इंट कैपिटल ए इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब ये है कि एक स्पेस क्रिएट होगा जिसका नाम रहेगा, जिसका नाम कैपिटल ए के क्या, लिए सर। कैपिटल ए के लिए क्रिएट होगा, ठीक है? कैपिटल ए के लिए ये नाम, ये स्पेस क्रिएट होगा और यहाँ पे नाम रहेगा कैपिटल ए, ठीक है? और स्मॉल ए के नाम से अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्रिएट होगा अलग उसका नाम क्या रहेगा, स्मॉल ए, से होगा सर। ठीक है? इसका नाम रहेगा स्मॉल ए, ठीक है? तो ये स्मॉल ए का मतलब अलग होता है, कैपिटल ए का मतलब अलग होता है, ये स्मॉल ए लिखा हुआ है, ठीक है? इसकी आकृति पता नहीं क्या बन गई तो इस पे मत जाना तुम लोग, क्लियर है? ये स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए का अपना मतलब होगा, स्मॉल ए का अपना मतलब होगा, इसीलिए हम बोलते हैं याद रखना है सभी को जितने बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी प्रोग्रामिंग एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है?
केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये केस होता सेंसिटिव सर। हाँ, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है, स्मॉल ए का मतलब अलग है, कैपिटल ए का मतलब अलग है। केस सेंसिटिव इसी को बोलते स्मॉल हैं। लेटर कैपिटल लेटर का अलग। हाँ, स्मॉल लेटर का अलग मतलब होता है, कैपिटल लेटर का अलग मतलब होता है। मतलब का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग मतलब होता है। बेसिकली नाम से स्पेस क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे तो टू हो गया, राइट। आप जब कभी भी ए को कॉल करोगे तो कुछ और वैल्यू कॉल होगी, जैसे कैपिटल ए में असाइन कर दिया आपने 3, स्मॉल ए से इसको कॉल करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, उसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। आगे हम समझेंगे कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है, एक ही दिन बहुत ज़्यादा समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, फिर अपन आगे बढ़े। नो नहीं है, नो सर। आगे बढ़े। यस सर। देखो यस सर, वेरिएबल जो हम बनाएंगे यहां पे, वेरिएबल बनाएंगे इंट। इंट देखो ब्लू हो गया लिखते सही, इसका मतलब ये है कि एक डेटा टाइप है, बोल्ड में ब्लू हुआ है। बोलोगे सर ये हेलो भी तो ब्लू हो गया है, ये भी डेटा टाइप है क्या? नहीं, देखो ये जो बोल्ड में ब्लू हो जाता है, एक्चुअली पहचानने के लिए इन लोगों ने कलर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बोल्ड में ब्लू हो गया ये जो लेटर है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक ये डेटा टाइप है और हमको बनाना है ए, और उसके बाद इसको हमको इसमें स्टोर कर देना है 3 सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने सेमी कॉलन, तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया, क्लियर है। हम इस तरीके से ही वेरिएबल बनाएंगे, क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर, ठीक है। और अगर हमको ए की वैल्यू को कॉल करना है तो हम यहां पे ए लिख देंगे। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे ना? हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर देखो मैंने क्या बताया था, अगर किसी मैसेज को आपको इंटर करवाना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा ये टॉपिक जो है नया हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खैर ध्यान से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमको किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, किसी मैसेज को प्रिंट करवाना है, तो आप अगर डबल कोट के इनसाइड लिखते हो तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको डबल कोट के इनसाइड लिखोगे तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाए। ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? यस सर। देखो यहां पे अभी 3 कॉल होगा, इसी को बोलते हैं कॉल करना, मतलब कि ए के माध्यम से हम ए में रखी हुई वैल्यू को, ए में रखी हुई वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ। किसके नाम से हमने 3 लिखा क्या यहाँ पे? हमने यहाँ पे 3 लिखा था? नहीं ना, हमने यहाँ पे 3 लिखा था जिसको प्रिंट कराना था, हमने तो 3 कहीं नहीं लिखा था। एक्चुअली हुआ क्या है, हमने इंटीजर ए, ए एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि 3 स्टोर है, ठीक है। मैंने क्या किया, उस वैल्यू को मतलब 3 को कॉल कर लिया ए के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैसेज देना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी, मतलब कि आप उस वैल्यू के साथ साथ मैसेज को भी प्रिंट करवा सकते हो, उस वैल्यू के साथ साथ आप मैसेज को भी प्रिंट करवा सकते हो। इसको हम फिर से रन करके देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, वैल्यू ऑफ ए इज 3, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर ये देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझना कि यहाँ पे परसेंटेज डी जो है, देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर तब समझ में आएगा जब हम डेटा टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है, तब जाकर के फॉर्मेट स्पेसिफायर समझ में आएगा हमको कि एक्चुअली फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि परसेंटेज डी जो लिखे हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं परसेंटेज लगा करके, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस प्रकार का डेटा है, ये जो आई भी लिख सकते हैं, हाँ परसेंटेज डी, परसेंटेज सी भी लिख सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है डेटा टाइप पढ़ने के बाद, ठीक है।
तब तक हमको इतना ध्यान में रखना है, ये परसेंटेज से लगे हुए जो यहाँ पे लिखेंगे हम, परसेंटेज से लगे हुए जो यहाँ पे लेटर लिखेंगे उसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। वो एक समाज सेवक होता है, ऐसा किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। समाज सेवक का काम क्या होता है, ये बेचारा कभी खुद प्रिंट नहीं होगा, परसेंटेज डी कभी खुद प्रिंट नहीं होगा, ये किसी न किसी नंबर को या किसी न किसी वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा। यहाँ पे परसेंटेज डी आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, ये समाज सेवक है, ये खुद कभी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसके वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा, जो हम यहाँ पे कॉमा लगा करके लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, जगह पे परसेंटेज डी जहाँ पे लिखे हैं वही उसी जगह पे वो नंबर प्रिंट होगा, वो वैल्यू प्रिंट होगी जिसकी वैल्यू को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। जस्ट मतलब यहाँ पे ए लिखा है हमने कॉमा लगा करके, ए की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या, या फिर समझ में आ रहा है? नो सर। आ रहा है समझ में? यस सर। सभी को आ रहा है? बाकी स्टूडेंट बताओ। यस सर। यस सर। सर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये सी लैंग्वेज? हाँ सर इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड बस। इंटरेस्टिंग है। है सर। हेलो। हाँ सर, ये रूम पे हैं अभी तो सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको 10 मिनट से कॉल करूँगा। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। इतने फोन कॉल आ जाते हैं। मतलब कि इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, थोड़ी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। यस यस। देखो यहाँ पे अगर हमको कोई और वेरिएबल बनाना है, ठीक है। देखो जैसे हमने कर दिया यहाँ पे 3 = 4, ऐसा डेटा टाइप बना सकते हैं क्या, ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं? नो सर। नहीं सर। देखो ये इधर रेड दिखाई दे रहा है, मतलब कि इस लाइन में, नो सर, इस लाइन में कहीं ना कहीं पे एरर है, रेड दिखाई दे रहा है ना इस लाइन में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एरर है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा yes, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर हम प्रिंट, इसको हम अगर रन करवाने की कोशिश करेंगे तो ये लाइन रन हो जाएगी, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी मैसेज दिखेगा क्या, वैल्यू ऑफ ए इज 3, तो ये ए 3 की वैल्यू क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन में जो मैसेज या किसी वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है वहां पे हमने A3 को नहीं लिखा है। देखो A3 को नहीं लिखा है, ये एक बोलने का हमारा तरीका हो गया, लेकिन ये चीज समझना, ये जो दो ब्रैकेट लगा हुआ है हम आगे फंक्शन में अच्छे समझेंगे, इस ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस, ठीक है। और इसके इनसाइड जो भी हम है ना, इसके इनसाइड जो भी हम पास करते हैं उसको बोलते हैं, जो भी लिखते हैं जैसे ब्रैकेट के इनसाइड लिखे हैं इसको हम बोलते हैं पैरामीटर या फिर बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस टेक्निकल टर्म में, ये जो ब्रैकेट दोनों लगा हुआ है इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमेशा फंक्शन के साथ लगा रहेगा, ठीक है। और एक बात, अगर आपको पैरामीटर पास करना है तो पैरेंथेसिस के इनसाइड जो कुछ भी लिखेंगे उसको हम बोलेंगे पैरेंथेसिस या फिर आर्ग्यूमेंट। क्लियर है इतना सभी को? तो देखो ए की वैल्यू, यस सर, ए की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, कुछ मैसेज साथ में प्रिंट हो रहा था क्योंकि मैंने वहां पे पास किया था आर्ग्यूमेंट पास किया था ए। ए 3 को हमने नहीं लिखा है, मतलब ए 3 को आर्ग्यूमेंट के रूप में, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस के इनसाइड जो कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो ए 3 को हम आर्ग्यूमेंट के रूप में पास नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे हम, ए 3 की वैल्यू को भी प्रिंट करवाना है तो बताओ मुझे क्या करें, क्या लिखें कि ए 3 की कॉमा के बाद यहाँ पे लिख दें कॉमा लगा के अलग से प्रिंट करेंगे एक बार। यस सर। यहाँ पे ए 3 लिख देते हैं
और कितने लोग बोल रहे हैं सर नहीं प्रिंट एफ है, दो बार लगा दीजिए। ठीक है, देखो प्रिंट एफ दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक ही प्रिंट एफ में यूज करना चाहें तो देखो ये परसेंटेज डी इसके लिए काम करेगा, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे लगाया हमने A3, उसके लिए एक और परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दे करके आप लगाओगे दूसरा परसेंटेज डी, तो ये क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ ए एंड A3 R, ठीक है। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, ये जो पहला वाला परसेंटेज डी होगा, ये जो पहला वाला परसेंटेज डी होगा, ये देखो ए की वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा, ये जो दूसरा वो वाला एक ही परसेंटेज वैल्यू। है ना, ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करने का काम करेगा। क्लियर है क्या? यस अभी देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, टेंशन मत लो, अभी आगे हम लोग समझेंगे ये सब परसेंटेज डी क्यों लिख रहे हैं, परसेंटेज डी का काम क्या होता है, ये हम लोग आगे समझेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ पे इंट क्यों लगा रहे हैं ये भी हम आगे समझेंगे, ये सभी हमारा अगला टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे आगे, ठीक है। अभी बस वेरिएबल को हम समझ रहे हैं कि वेरिएबल को प्रोग्राम में किस तरीके से यूज करते हैं, अभी तो ये बहुत ही बेसिक है। अभी तो ऐसा है, इतना बड़ा बड़ा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे ना, दो दो तीन तीन पेज का, ठीक है। और बहुत आसानी से बनाते हुए चलेंगे, अगर आपको स्टेप वाइज स्टेप समझ में आता जा रहा है तो बहुत आसानी से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बात तो अभी ये सही है। और जो दूसरा बोल रहा था कि सर ने दो बार प्रिंट एफ लगा देंगे, उसका भी कहना हम सही था, आप एक बार प्रिंट एफ लगाए हो, दोबारा प्रिंट एफ लगा करके सेम लिखो और यहाँ पे दूसरे वाले में एथ्री लगाओ, या फिर एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। एक बात हमेशा और हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना एक बात कि प्रोग्राम वही अच्छा माना जाता है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ओ लेवल, DCA, ADCA, जो कोर्सेज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनमें से किसी एक माध्यम के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।